संगीत सुनना शायद ही किसी को नापसंद हो। संगीत की मधुर धुन हमारे दिमाग को शांत करती है और हमें सुकून का एहसास होता है। 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में पहले दिन का तीसरा सत्र संगीत को समर्पित किया गया, जिसमें देश विदेश से आए अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, रिचा मेहता मेकअप आर्टिस्ट, एल्चिन हुसैन अली एम्बेसी ऑफ अजरबैजान, समीर खान नियाजी प्लेबैक सिंगर मौजूद रहे। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवाह ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, संगीत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इंसान को भूख लगने पर खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इंसान के जीवन में संगीत की जरूरत होती है। संगीत सुनकर लोग मस्ती में झूमने लगते हैं, सारे दुख तकलीफ भूल जाते हैं। समीर नियाजी ने एक से एक संगीत प्रस्तुत की, जैसे मेरे रस के कमर, मेरा मौला तू कर दे करम, तेरे जैसा यार कहाँ। AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स द्वारा एक से बढ़कर एक संगीत की प्रस्तुति की गई, जिसको सुनकर सभी गेस्ट मंत्रमुग्ध हो गए। इस शानदार कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा और स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ की गई। कार्यक्रम में गेस्ट को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2023 अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एल्चिन हुसैन अली को इंडो बैजांग कल्चरल फोरम और हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, शांत जो म्यूजिक के इवेंट हुआ उसमें काफी बच्चे उत्साह दिखे, क्या कुछ करा जाएंगे। एक फिल्म फेस्टिवल अगर जिसमें संगीत ना हो तो फेस्टिवल अधूरा सा महसूस होता है, और शायद यही वजह थी कि हमने ये सोच लिया था कि आज के पहले दिन हम जो शाम है उसको रंगीनी बनाएंगे, और यहाँ पर फिल्मी म्यूजिक का जो माहौल बना उससे जो उत्साह पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ और उससे जो मज़ा आया है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, शब्दों में कहना मुश्किल है मैं कहूँगा। और सारा जो प्रोग्राम है वो AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने तैयार किया था, जो कई महीनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आपने अगर गाने सुने हो तो आपने देखा होगा कि एक एक गाना मंझा हुआ था, मोती की तरह वो शब्दों में प्रकट हो रहा था, और मैं समझता हूँ कि जो मज़ा आज आया है ये फिर मज़ा कल भी आएगा, और हम कल फिर से एक बार गीत और संगीत का कार्यक्रम रखेंगे। इट इज़ माई प्लेजर टू पार्टिसिपेट टुडे एट दिस फेस्टिवल। फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, व्हाट आई सॉ इज़ द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन ऑफ यूथ टैलेंट, टीम वर्किंग, हार्ड वर्किंग यंग पीपल whom I admired very much. I have only been to India for 3 weeks, so I'm newly ambassador designate of Azerbaijan, but it was my great pleasure and privilege to participate today. Today, what I discovered for myself is hardworking young people who are, I think you are the jewel of your country, that you will put all your talent, all your hard work for the benefit of your country, and hopefully I will attend your next events as well, and we will continue cooperating with Mr. Marwa on promoting cultural relations between Azerbaijan and India. दोस्तों, मैं समीर खान नियाजी, बॉलीवुड सूफी सिंगर, रामपुर से असवान घराने से, और आज आई फील सो प्रिविलेज कि मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ संदीप मारवा जी के निमंत्रण पर, और बहुत ही बेहतरीन ये पूरा प्रोग्राम रहा, और 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिल्म जगत में, आर्ट्स में, मीडिया में कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं, और कहूँगा दिल लगा के मेहनत करिए और यहाँ से कुछ बन कर निकलिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, दो मैं काफी टाइम से आई बीन एसोसिएटेड विद मारवा स्टूडियोज, बट देन कमिंग टुडे एंड बीइंग पार्ट ऑफ सूफियाना द सिंगिंग फेस्टिवल व्हिच वाज हैपनिंग, बहुत मजा आया। आई थिंक एवरीबॉडी सांग ब्यूटीफुली फ्रॉम फैकल्टी टू स्टूडेंट्स। इट वाज, जब हम वहाँ बैठ के गुनगुनाते हैं साथ, इसका मतलब है रंग जम गया। सो आई थिंक आई हैड अ फैबुलस टाइम विद एवरीबॉडी। जो बच्चे एक्टिंग
सो व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर मैंने संदीप मारवा सर से पूछा दैट ओ यू हैव अ स्पेसिफिक सेगमेंट फॉर द सिंगिंग फ्रेटर्निटी ही सेड यस बिकॉज ही लव्ड सिंगिंग एंड ही वांटेड इट टू डिपिक्ट इट आई डिडंट नो दैट दैट बीइंग द एंटायर मारवा स्टूडियोज एंड बीइंग इन टू सो मेनी जॉनर्स सिंगिंग इज ऑल्सो अनदर जॉनर विच दे हैव बीन डूइंग इट एंड बहुत अच्छा लगा ऐसे ही यंग टैलेंट को हम इंडियन आइडल देखते हैं ऐसे ही हम इतने सारे नए लोगों को एक मंच दे रहे हैं एक तरह से लोगों के सामने आने का मौका दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है एंड आई विश ऑल द परफॉर्मर्स ऑल द बेस्ट आई एम श्योर सिंगिंग हियर एंड सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ मच बिगर प्लेटफॉर्म्स इज द नीड एंड दे विल डेफिनेटली डू इट